हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का, जिसका कोड है 402। ये है आपके नेक्स्ट आर्टिस्ट ऑस्कर कोकोक्शा। ये कोकोक्शा जी की पिक है। इनका जन्म हुआ था 1 मार्च 1886। कोकोक्शा का बॉर्न हुआ था 1 मार्च 1886 ऑस्ट्रिया हंगरी। मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1980 स्विट्जरलैंड। ठीक है, 1886 से लेके 1980, एज्ड 93, यानी ये 93 वर्ष जिए थे। नेशनलिटी है इनकी ऑस्ट्रियन, जैसे हमने ऊपर पढ़ाया भी 1 मार्च 1886 ऑस्ट्रिया। नॉन फॉर पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, पोइट्री, प्ले राइटिंग, यानी ये पेंटिंग के साथ साथ प्रिंट मेकिंग भी करते थे, पोइट्री भी करते थे और प्ले राइटिंग भी करते थे। मूवमेंट है इनका वाद है एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, ऑस्कर कोकोक्शा एक ऑस्ट्रियाई कलाकार, कवि, नाटककार और शिक्षक थे। ठीक है, ये कलाकार भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे और शिक्षक भी थे, जो अपने गहन अभिव्यक्तिवादी चित्र और परिदृश्य के साथ साथ दृष्टि पर उनके सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। यानी मतलब अपने गहन अभिव्यक्तिवादी चित्र और परिदृश्य के साथ साथ ये अपने सिद्धांतों के लिए भी जाने जाते थे, जिन्होंने विनीज अभिव्यक्तिवादी आंदोलन को प्रभावित किया था। ठीक है, जिन्होंने विनीज अभिव्यक्तिवादी आंदोलन को प्रभावित किया था। अर्ली लाइफ, बोहेमियन सुनार गुस्ताव जोसेफ कोकोच्का और मारिया रोमाना कोकोच्का की दूसरी संतान ऑस्कर कोकोच्का का जन्म पोर्सलन में हुआ था। उनकी एक बहन बार्टा थी, जिसका जन्म 1889 में हुआ था। एक भाई बोल्सवा, जिसका जन्म 1892 में हुआ था। और एक बड़ा भाई जो शैशवावस्था में ही मर गया था। ऑस्कर का शकुन में दृढ़ विश्वास था, जो पोर्टलैंड में आग लगने की कहानी से प्रेरित था। जब उसकी मां ने उसे जन्म दिया था, परिवार का जीवन आसान नहीं था। मतलब इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहे हैं, तो इसलिए बताया कि इनका जो परिवार का जीवन था वो आसान नहीं था। कोकोच्का ने 1897 में एक रियल स्कूल में प्रवेश किया, एक प्रकार का माध्यमिक विद्यालय, जहां विज्ञान और भाषा जैसे आधुनिक विषयों के अध्ययन पर जोर दिया गया था। ठीक है, 1897 में एक रियल स्कूल में इन्होंने प्रवेश किया, एक प्रकार का माध्यमिक विद्यालय, जहां विज्ञान और भाषा जैसे आधुनिक विषयों के अध्ययन पर जोर दिया गया था, यानी विज्ञान पे और भाषा पे। रसायन विज्ञान में औपचारिक शिक्षा जारी रखने के अपने इरादे के बावजूद कोकोच्का को ऐसे विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने केवल कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और अपना अधिकांश समय अपने पाठों के दौरान क्लासिक साहित्य पढ़ने में बिताया है। तो रसायन विज्ञान में औपचारिक शिक्षा जारी रखने के बावजूद इन्होंने ऐसे विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्होंने केवल कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और अपना अधिकांश समय अपने पाठों के दौरान क्लासिक साहित्य पढ़ने में बिताया। अपना मतलब अधिकांश टाइम उन्होंने अपने पाठों के दौरान क्लासिकल साहित्य पढ़ने में बिताया था। कोकोच्का के कई फ्रांसीसी और जर्मन समकालीनों की तरह वह यूरोप के आसपास के नरवश विज्ञान प्रदर्शनों में प्रदर्शित आदिम और विदेशी कला में रुचि रखते थे। अब नेक्स्ट है एजुकेशन। इसमें इनका आपका ये सब अर्ली लाइफ का ही था, इसमें ये ध्यान रखना आप जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया। बाकी इसमें मेन तो यही है कि इनका जन्म बताया है, इनकी जो बहन थी वो भाई के बारे में बताया है, बाकी इनकी ये स्टडी के बारे में बताया कि इन्होंने रियल स्कूल में प्रवेश किया था। ठीक है, और विज्ञान और भाषा जैसे आधुनिक विषयों के इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था, और रसायन विज्ञान में औपचारिक शिक्षा जारी रखने के अपने इरादे के बावजूद इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह एजुकेशन, कोकोच्का के एक शिक्षक ने सुझाव दिया कि वह उनके कुछ चित्रों से प्रभावित होकर ललित कला में अपना कैरियर बनाए, है ना। एक शिक्षक ने सुझाव दिया था कि वह उनके कुछ चित्रों से प्रभावित होकर ललित कला में अपना कैरियर बनाए। अपने पिता की इच्छा से प्रभावित होकर विरुद्ध जाकर कोकोच्का ने वियना में
कुंस्टगेवर बेट्सलू में आवेदन किया है ना, अपनी पिछा अपने जो उनके फादर थे उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था, जो अब अप्लाइड आर्ट्स वियना विश्वविद्यालय है ना, मतलब जहाँ पे इन्होंने आवेदन किया था वो अब अप्लाइड आर्ट्स वियना विश्वविद्यालय है। उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की और स्वीकार किए जाने वाले कुछ आवेदकों में से एक थे, मतलब उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, स्वीकार की थी और आवेदकों में से ये एक थे। वियना कुंस्टग्रेव बेसल्स लागू कला का एक प्रगतिशील स्कूल था जो मुख्य रूप से वास्तुकला, फर्नीचर, शिल्प और आधुनिक डिज़ाइन पर केंद्रित था। जो मुख्य रूप से वास्तुकला, फर्नीचर, शिल्प और आधुनिक डिज़ाइन पर केंद्रित था। ललित कला वियना की अधिक प्रतिष्ठित और पारंपरिक अकादमी के विपरीत कुंस्टग्रेवेचलस में वियना सेक्शन की प्रशिक्षकों का वर्चस्व था। कोपोट्स्का ने 1904 से 1909 तक वहाँ अध्ययन किया और एक मूल शैली विकसित करने में अपने शिक्षक पॉल पोटोचेस्का से प्रभावित थे। कोपोट्स्का की एक शुरुआती कार्यों में बच्चों के हाव भाव चित्र थे जो उन्हें अजीब और लाश के रूप में चित्रित करते थे। तो ललित कला वियना की अधिक प्रतिष्ठित और पारंपरिक अकेदमी के विपरीत इन्होंने वियना सेक्शन के प्रशिक्षकों का वहाँ पे वर्चस्व था और इन्होंने 1904 से लेकर 9 तक वहाँ पर अध्ययन किया और मूल शैली विकसित करने में अपने शिक्षक कॉल ऑस्टो चेक्का से प्रभावित थे। कोकोस्का के शुरुआती कार्यों में बच्चों के हाव भाव चित्र थे जो उन्हें अजीब और लाश के रूप में चित्रित करते थे। कोकोस्का के पास पेंटिंग में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था और इसलिए पेंटिंग के पारंपरिक या सही तरीके की परवाह किए बिना माध्यम से संपर्क किया, मतलब इनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था इसलिए पेंटिंग के पारंपरिक या सही तरीके की परवाह किए बिना इन्होंने माध्यम से संपर्क किया। कोकोस्का का पहला कमीशन बच्चों के लिए पोस्टकार्ड और चित्र थे, जो इनका पहला कमीशन था वो बच्चों के लिए पोस्टकार्ड और चित्र थे। बाद में कोकोस्का ने कहा कि इस अभ्यास के ने उनके कलात्मक प्रशिक्षण का आधार प्रदान किया। उनके शुरुआती कैरियर को विनीज मशहूर हस्तियों के चित्रों द्वारा चिन्हित किया गया था जो एक घबराए हुए एनिमेटेड शैली में चित्रित थे। ठीक है, अपने स्वयं के कलात्मक प्रशिक्षण के बाद कोकोस्का ने अपने जीवन के वर्षों को कला सिखाने और एक शिक्षक के रूप में अपने विचारों और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने वाले लेख और भाषण लिखने के लिए समर्पित किया। कोमेनियस के सिद्धांतों से कोकोस्का ने विश्वास को अपनाया कि तर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्रों को अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करने से सबसे अधिक लाभ होता है, मतलब इन्होंने सिद्धांतों से ये विश्वास दिलाया था कि तर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्रों को अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करने के लिए सबसे अधिक लाभ होता है। कोकोस्का ने 1911 से 1913 तक वियना में पढ़ाया, फिर 1919 से 1923 तक ड्रेसडेन में। ठीक है, 1911 से 1913 तक इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया, वियना में, और 1919 से 1923 तक पढ़ाया इन्होंने ड्रेसडेन में। जबकि एक शिक्षक के रूप में उनके प्रयासों को विभिन्न प्रकाशनों में नोट किया गया था। वे आमतौर पर उनके व्यक्तिगत पर ध्यान केंद्रित करते थे। में कोकोस्का ने वियना में एकेडमिशन वेबर्ट पर लिटरेचर एंड म्यूजिक में अपना निबंध वॉन डेयर नेचर डेस क्वेस्टी ऑन द नेचर ऑफ विजन दिया। इस निबंध ने आंतरिक दृष्टि और ऑप्टिकल दृष्टि के बीच संबंधों के बारे में कोकोस्का की कलात्मक अवधारणा को रेखांतरित किया। ठीक है, तो 1912 में कोकोस्का ने वियना में एकेडमिशन वेबरेंड फॉर लिटरेचर एंड म्यूजिक में अपना निबंध ऑन वॉन डेयर नेचर डेयर गेसिस्ट यानी ऑन द नेचर ऑफ विजन दिया। इस निबंध ने आंतरिक दृष्टि और ऑप्टिकल दृष्टि के बीच संबंधों के बारे में कोकोस्का की कलात्मक अवधारणा को रेखांकित किया। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आप लोगों के नेक्स्ट वीक से इंटरनल शुरू हो रहे हैं तो उसमें आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करना, और जैसे ये सन है या ये है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, जैसे इनमें इन्होंने अपना बताया है कि इनका ये निबंध है, तो निबंध का नाम है ये वॉन डेयर नेचर डेयर। ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ विजन,
तो ये इनके निबंध का नाम है, इनका ईयर है, इनका निबंध है, ये मेन होते हैं आपके इसमें, ठीक है। तो ये आप अच्छे से अपना लर्न कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे।